हैदराबाद रेप कांड और हत्या के बाद देश भर में दोषियों को फांसी की सजा दी जाने की मांग हो रही है। और इसी बीच महू में जिस सरफिरे ने 4 साल की मासूम के साथ घिनौनी हरकत की थी उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसे मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद लोगों में घटना को लेकर गुस्सा है। इंदौर के समीप महू तहसील में एक सरफिरे की करतूत सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने सरफिरे को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सरफिरे का नाम अंकित है, जिसने 4 साल की मासूम को साई मंदिर के सामने से उठाया और सिमरोल रोड स्थित आर्मी क्वार्टर के बंगला नंबर 122 में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर मासूम को मौत के घाट उतार दिया। बड़ी दुखद घटना है, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। 2 तारीख मतलब आज से 2 दिन पहले ये सूचना मिली थी कि एक बच्ची मिसिंग है अपने माता पिता के साथ। ये जो घटना स्थल है इसका है न्यू हॉल साई मंदिर के सामने फुटपाथ पे ये लोग सो रहे थे, तो वहाँ से एक छोटी बच्ची है 5 साल की, 4-5 साल की, ये मिसिंग थी। और अर्ली मॉर्निंग में इसकी सूचना मिली तो पेरेंट्स को 5 बजे के करीब सुबह उन्होंने भी बताया थाने पे, और उसी समय सूचना भी मिल गई थी कि ये एक ऐसी डेड बॉडी किसी बच्ची की पड़ी है। ये है बंगला नंबर 122 का खंडन जो है प्रशांति अस्पताल के पीछे। ये घटनास्थल है जो साई मंदिर के फुटपाथ के सामने से जहाँ से बच्ची गई थी उससे 200-300 मीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे तत्काल पुलिस पहुँची और माता पिता के साथ भी उनके फरियादी थे, और ये जो बच्ची मिली थी वो वही बच्ची थी जो मिसिंग थी, और इसको पुलिस ने जो अपराध हुआ था इस बच्ची के साथ इस पर अपराध कायम किया। मऊ थाने में है 485/19 धारा है 363A, 363B, 302/201 और पॉस्को एक्ट। तो बच्ची के साथ अपेरेंटली गलत कृत्य भी हुआ था और उसने फ्रॉक पहना हुआ था और गलत कृत्य भी प्रतीत होता था कि हुआ है, और उसकी पीएम कराया गया। पीएम में स्पष्ट हुआ कि ये बलात्कार का मामला है और उसके साथ साथ उसका मुंह दबा के जिसे सफोकेशन से या उसको मॉडरिंग बोलते हैं उससे इस बच्ची की मृत्यु हुई थी। एडीजी वरुण कपूर ने पूरे सनसनीखेज मामले का खुलासा किया और मीडिया को घटना के साथ ही सरफिरे की गिरफ्तारी की जानकारी दी। इसका पकड़ने का जो तरीका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से पुलिस ने इस जड़ तक पहुंचकर इस व्यक्ति को हिरासत में लिया। सीसीटीवी फुटेज जो है आसपास का उसका आकलन किया गया, कहीं एक्चुअली वो फुटेज काफ़ी अस्पष्ट सा था, क्लियर नहीं था, उसने दिख भी नहीं रहा था, वैसे कुछ लग रहा था कि कोई व्यक्ति घूम रहा है नॉलेज, पर कुछ स्पष्ट नहीं था। तो उस आधार पर उसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंदौर भेजा गया, सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको क्लियर किया गया, और फिर एक व्यक्ति का छवि उसमें क्लियर हुई, एक काली सी जैकेट पहने हुए सफ़ेद जूते पहने हुए कोई व्यक्ति वहाँ पे घूम रहा था। और पहले तो वो वहाँ पे कुछ आवारा कुत्ते जो हैं उनके साथ वो अपना उनके साथ कुछ व्यवहार करता है, उनको पत्थर मारता है, फिर उनको कुछ खिलाता है ताकि वो वहाँ से चले जाएँ, कुत्ते वहाँ पे उपस्थित ना हो। और एक और फुटेज में आगे दिखा कि वो एक किसी छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लेके आता हुआ वहाँ पे उस फुटेज में दिखा। ये क्लियर हो गया कि उसकी ड्रेस से भी ये कौन था, फिर भी क्लियर नहीं था एग्जैक्टली कि इसके चेहरे से कि ये कौन हो सकता है। कई लोग सस्पेक्ट्स थे, 11 सस्पेक्ट्स इसमें राउंड अप किए थे, उसमें से कुछ सस्पेक्ट्स माता पिता द्वारा भी बताया गया था एक व्यक्ति कि ये हो सकता है, व्यक्ति का नाम भी अमित है और उससे उन्होंने शंका जाहिर की थी क्योंकि एक रात पहले इन्हें मिलकर आपस में कुछ पार्टी भी की थी। उस व्यक्ति को भी हिरासत मिली, ऐसे करके बहुत प्रयास किए, त्वरित प्रयास किए ताकि जल्द से जल्द जड़ तक पहुंच सकें। एक और सीसीटीवी फुटेज मिला फिर जो थाने के सामने के सीसीटीवी कैमरा का है, उसमें वही हुलिया का वही कपड़े पहने हुए और एक व्यक्ति जाता दिखा, और वो व्यक्ति उस घटना स्थल पर जहाँ पे वो बच्ची को लेके भागता दिख रहा था उससे करीब 1-1.5 घंटे पहले का फुटेज था, मतलब बाद का भी या बहुत आगे का भी नहीं था। तो जब उस फुटेज के आधार पे आसपास की पूछताछ की गई और पता किया गया कौन है, तब सबने उसका नाम स्पष्ट रूप से बताया कि वो तो अंकित है। तो यही वो आरोपी है, तो इसको हिरासत में लिया, इससे पूछताछ करी, तब इसने पूरा अपराध को स्वीकारा है और इसको हिरासत में लिया है। इसका पुराना भी इसी प्रकार का ऐसा प्रतीत होता है इससे पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं कि ये इस प्रकार का विकृत मानसिकता का एक व्यक्ति हो सकता है, सेक्सुअल प्रेडिटर जिसे बोलते हैं। पूर्व में भी कुछ लोगों ने इसको पकड़ा था 1-1.5 साल पहले, कुछ ऑटो ड्राइवर हैं, कुछ चाय की दुकान वाले हैं, उन्होंने भी ये तस्दीक करी है कि कोई बुजुर्ग महिला थी 70 साल के ऊपर की, उसको ये पकड़ के ले गया था, उसके साथ गलत कृत्य कर रहा था, उनको पता चला था, उस समय भी उसकी उन्होंने पिटाई करी थी और रोका था उस काम को, पर रिपोर्ट नहीं हुई थी उसकी भी। तो इन सब चीज़ों से ये स्पष्ट है कि ये कुछ
तरीके का विकृत मानसिकता का जो व्यक्ति है, तो इसको हिरासत में लिया है त्वरित कार्रवाई करने में, और इस प्रकार के वैसी व्यक्ति को जल्दी से हिरासत में लेके इस केस को सुलझाने की चुनौती को पूर्ण किया है। पुलिस ने महू क्षेत्र के सभी स्थानों के सीसीटीवी की जांच के आधार पर पहले आरोपित की पहचान की। पुलिस के सामने सरफरे ने अपना अपराध कबूल कर लिया।